सोचा होगा उसने कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा। क्या गुजरी होगी माँ बाप पे। अभी जो रील देखी, यानी कि रील का थोड़ा सा मैंने हिस्सा यहाँ पर दिखाया है आपको। ये रील इंस्टाग्राम पे लोड की गई है। जब काफी लोग ये कह रहे थे कि भी इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, अपनी जिम्मेदारी निभाएं एक एज ए इन्फ्लुएंसर और एज ए सिटीजन, ये रील सामने आती है। इस रील में बताया कि आज भी वुमेन जो है इंडिया में सुरक्षित नहीं है। वो कौन सा दिन आएगा जबकि हमें पूरी तरह से आजादी मिलेगी, यानी कि पूरी तरह से इंडिया रेप फ्री इंडिया मिलेगा। संदेश अच्छा था और ग्रेविटी के साथ था। देखिए कितना ज़्यादा सीरियस टॉपिक था ये। अब इसके बाद में जब ये रील शूट की गई उसके तुरंत बाद हमारे जागरूक इन्फ्लुएंसर इस मूड और किस टोन में आगे बात करती हैं अपने व्लॉग के अंदर। अभी ये वाली क्लिपिंग देखिए, रील जो है वो शूट हो चुकी है। हम चाहे यहाँ से बिना खाए भी भाग सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते हम लोग। अभी यहाँ देखिए कितना हंस के ये कह रही है कि अब हमारी फ्रेंड्स जो रील तो शूट हो गई है और हम चाहें तो अब यहाँ से भाग सकते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हमने उनको कहा है कि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं और इसलिए हमने एंटर किया है। अब ये सारी बातें जो उसने बोली है इसका क्या मतलब है और किस मूड में बोली है, देखिए किस तरह हंस के बोली है, किस तरह से मजाक उड़ा के बोली है कि हम चाहें तो हम यहाँ से भाग सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे खाने पीने का कुछ ना कुछ करके जाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर रील बनाकर झूठ बोलकर चले जाएंगे। बड़ी ईमानदारी आ रही है। लेकिन ये मूड तो देखिए, ये मूड क्या है? क्या आपको लग रहा है कि ये वही मूड था जिस मूड में ये रील बनाई गई थी? इतने सीरियस टॉपिक को इसने रील बनाई और रील जो बनाई वो बड़ा अपना चेहरा जो है ना बड़ा उदासी और ऐसा करके बनाई और उसके बाद में तुरंत ही नेक्स्ट मोमेंट पर ये किस तरह से बात कर सकती है? ये क्या वास्तव में कोई इतना सेंसिटिव है? ये सेंसिटिव लगती है? ये किसी तरीके से भी सीरियस लगती है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए रील बनाई गई है। क्या ये सच में इतना ज्यादा कंसर्न है इस वाले टॉपिक के ऊपर? क्या सचमुच में इसको दिल से इतना ज्यादा दुख हुआ है जैसा कि ये दिखाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर? क्या सचमुच में कोई ऐसा बटन होता है जो कि ऑफ ऑन कर दिया जाए और उसके बाद में मूड चेंज हो जाए? एक टाइम में आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत कंसर्न हैं, आपको इस बात का अफसोस है कि भाई कितना बुरा हुआ और साथ साथ ये भी अफसोस है कि क्या आज भी कुछ सुधर पाया है, नहीं सुधर पाया है इतनी साल आजादी के बाद, और उसके बाद में मोमेंट में एक बटन ऑन किया जाता है और बटन ऑन करते ही वो जो अपने रूप में आ जाती है और अपने रूप में आते ही वही सब डायलॉग, हम चाहें तो यहाँ से भाग सकते हैं। क्यों भाग सकते हो भाई? सबसे पहले इस बात की जरूरत क्या थी? यहाँ पर हंसने की जरूरत क्या थी? क्या ये हंसने वाली बात थी? ये आप इतने ज्यादा इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? कैसे आप किसी ऐसी घटना का जिसके ऊपर सारा देश दर्द कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा है इस बात के लिए कि उसको न्याय मिलना चाहिए और आगे से किसी भी तरीके से ये चीजें बंद हो और कभी तो इसका अंत आए, कभी तो ये सब खत्म हो, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कैसे हंस सकते हो, कैसे मजाक कर सकते हो, कैसे उसको एक रील की तरह ले सकते हो कि भाई मैं तो एक एक्टर हूं, जैसे ये एक्टर को एक रोल दिया जाता है, वो अपने बच्चे पे बिलक बिलक के रो रही है माँ और उसके बाद में डायरेक्टर कहता है कट, वो रोते रोते तुरंत ही वहां से उठ खड़ी होती है और जाके अपनी सीट पर बैठ जाती है और कहती है लाओ मेरे लिए चाय लाओ या फलाना चीज लाओ। या ये मतलब शूटिंग चल रही थी, ये एक्टिंग चल रही थी, क्या ये दिल से बनाई गई थी? नहीं नहीं नहीं, ये लगता ही नहीं किसी तरीके से भी ये दिल से बनाई गई थी। और इतने लोग जो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं और उनके दिलों को छू रही है ये रील, कि वास्तव में हमारे देश की भोली भाली जनता बहुत ज्यादा भोली है और वो सिर्फ कंटेंट देखती है, उस कंटेंट को देखकर जो इसने स्टोरी बनाई है उसको देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी है और उसको इस दुख का एहसास हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा कंसर्न भी है, इसलिए बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं इस रील के ऊपर कि हमारी आंखों में आंसू आ गए, हमें गूज बम्प आ गए। लोग अपनी अपनी जो दुख व्यक्त कर रहे हैं वहाँ प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपना, और इसको भी थैंक्स बोल रहे हैं इस बात के लिए कि उसने ये वाला टॉपिक चुना और इस तरीके से बात करी और इस तरीके से ऐसी बात के ऊपर अपनी आवाज उठाई। लोग इसको सैल्यूट कर रहे हैं, एक ने लिखा, एक भाई ने कि भी सैल्यूट है, तो उसको शुक्रिया लिखा इसने वहाँ पे, बाकी सबको हार्ट दिया। तो भाई अब तो मैं ये कहूँगा इसकी बनावट को और इसके इस तरीके दोगलेपन को सैल्यूट है। सिर्फ और सिर्फ यही ऐसी हो सकती है कि जो इस तरीके से दोगलापन दिखाए वो भी ऐसी बात के ऊपर जो कि देश के लिए बहुत चिंता की बात है, बहुत दुख की बात है। आप जाके उन डॉक्टर्स के बारे में जाके पूछो जो वहाँ डॉक्टर्स ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन माँ बाप से पूछ कर देखो जो वो ये सब उन्होंने अपने सामने देखा।
बाप से पूछो जो कि एक क्षण अपनी बेटी को इस कंडीशन में देख के क्या हाल हुआ होगा उसका। इनके लिए सिर्फ एक रील है, एक रील है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि इसको रील बनाने की क्या जरूरत थी ऐसे सेंसिटिव मौके पे, और उसको फूल पत्तियों को हाथ लगा के ऐसे करके दिखा रही है। संदेशा तो एक अच्छे खासे एक टेक्स्ट मैसेज के हिसाब से भी हो सकता था, वहाँ पे भी आप अपनी भावनाओं को अपनी फीलिंग्स को वहाँ पर दे सकते थे, लेकिन आपने एक रील बनाई और रील बनाकर उसको और ज़्यादा टच करने की कोशिश करी कि लोगों के दिलों तक और ज़्यादा टच हो, और एक्टिंग के साथ में उसको वहाँ पर प्ले किया। इसलिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे व्लॉगर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं ऐसा करने में, और ऐसा ही काम इन्होंने भी किया है। यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, एक इसी तरीके के डेली व्लॉगर्स थे और उसने कार में अपनी बेटी के साथ में रोना धोना करके कि भाई ये देखो कितना वो है कितना वो है ऐसा करके उसने वो एक रील शूट की, और उसके बाद में उसका कैमरा ऑन रह गया, और उसके बाद में जैसे ही वो ख़त्म किया उसने और जिस तरह के डायलॉग बोले चलो ठीक है हो गया अब इसको बंद करो, गलती से वो ऐसे ही अपलोड होगी और उसके बाद में उसकी जितनी भी शख्सियत थी वो ख़त्म होगी, उसकी व्लॉगिंग पे व्यूज़ आने ख़त्म हो गए, क्योंकि लोग समझ गए ये सारी चीज़ें बनावटी थी, ये सिर्फ दिखाने के लिए थी, ये लोगों की फीलिंग से खेलने के लिए थी, अपने बच्चे का बहाना लेके वो इस तरह से इमोशन से खेल रही है अपने फैंस के। तो ऐसे व्लॉगर्स को, ऐसे इन्फ्लुएंसर को कौन पसंद करेगा, इसलिए उसको नेगलेक्ट किया गया और उसके बाद में उसके व्यूज़ और उसके सब कुछ चैनल डाउन आता चला गया। मैं जानबूझ के उसका नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना या फिर किसी को बुरा कहना नहीं है, जो है वो सामने है उसको ही हम हाईलाइट कर रहे हैं। और इनके जैसे सोच की एक और मोहतरमा है, उन्होंने कमेंट किया है इस रील के नीचे, स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये कहती हैं, जब औरतें हिजाब करेंगी और पर्दे में रहेंगी इंशाअल्लाह रेप का रेशो कम होगा। ये मोहतरमा पता नहीं किस मुगालते में है और किस गलत फहमी में है, ये इनसे पूछ कर देखिए कि जब छोटे छोटे बच्चियों के साथ में ये सब हरकतें होती हैं तो उनसे कौन से पर्दे की उम्मीद रखती हैं, ये छोटे बच्चों की ऐसी कौन सी ड्रेस होती है जिसके बारे में ये बात करना चाहती है कि वो वाली ड्रेस जो है ना लोगों को भड़काती है। मतलब ये कैसी मानसिकता है कि हम ये बात कर रहे हैं कि पर्दे में होंगे ये सब होंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये तो एक दरिंदगी है, ये लोगों की सोच है, ये गंदी सोच है, ये जिस गंदी सोच की उपज से ये सारे अपराध होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो औरत को औरत नहीं समझते, वो एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, एक चीज़ समझते हैं, और उसी तरीके से उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़र्क नहीं पड़ता उनको, उसमें उनको कितना पेन हो रहा है कितना दर्द हो रहा है और कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद में उसको इस तरह से फेंक देते हैं। चोट तो इस मानसिकता पर होनी चाहिए, इस सोच पर होनी चाहिए। अगर बचपन से ही ये सिखाया जाए कि क्या नैतिकता है क्या मोरल है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो शायद ये सोच लोगों की बदल सके। आज की डेट में इतने बुक्स पढ़ा लीजिए, इतना पढ़ाई कर लीजिए, इतनी टेक्नोलॉजी हाई कर लीजिए, आईटी ले आइए, सब कुछ ले आइए, यहाँ तक कि मेडिकल में भी इतना सारा इम्प्रूवमेंट, लेकिन जब तक लोगों को ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा उनके कोरिकुलम के साथ साथ कि यह समाज में रहने के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जो इस्लामी तरीके हैं या बाकी सब जो रिलीजन्स हैं उन सब में जो बताया गया है, और औरत का जो स्थान बताया गया है, लड़की का जो स्थान बताया गया, माँ का जो स्थान बताया गया है, उसको तरह तरह से उसके दिमाग में नहीं डाला जाएगा तब तक वो बाहर घूमने वाली इन सब चीज़ों को सिर्फ चीज़ें ही समझेगा, ऑब्जेक्ट ही समझेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कानून का डर। जब तक कानून का डर लोगों के दिमाग में नहीं होगा, जब तक ये केस, इस तरह के केस जो होते हैं इतने लंबे लंबे चलते रहेंगे, तब तक लोगों के मन में इतना डर नहीं होगा, और डर इस बात से भी होगा कि कितनी कड़ी सजा दी जा रही है उसमें। सारी गवर्नमेंट आती हैं, आके बात करती हैं, बेटी की बात करती हैं और महिला सुरक्षा की बात करती हैं, सीसीटीवी फुटेज की बात करती हैं, सीसीटीवी लगाने की बात करती हैं, हम इतने लाख सीसीटीवी लगा देंगे, हम ये कर देंगे। सीसीटीवी करेंगे क्या? सीसीटीवी सिर्फ और सिर्फ जांच पड़ताल करेंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब तक इन सीसीटीवी पे कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा और उसको उस घटना को अगर होते हुए कहीं पर भी वो देखता है या कोई छेड़खानी या कोई ऐसी चीज़ देखता है उसके ऊपर, जब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा तब तक इन सीसीटीवी का कुछ नहीं
नहीं होगा। जिस तरीके से आप शोरूम में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरेज लगे रहते हैं, वहाँ पर अगर आप कोई भी सामान किसी भी एंगल से कैमरे को बचा के भी उठाना चाहें तो दूसरा कैमरा उसको कवर कर रहा होता है और आप गेट में निकलने से पहले वहाँ पकड़ लिए जाते हैं और वहाँ पर बैठे हुए लोग जो है उन कैमरों को की निगरानी करते रहते हैं। कुछ हज़ार के सामान के लिए तो इतनी सुरक्षाएँ कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, एक औरत की सुरक्षा के लिए, एक लड़की की सुरक्षा के लिए, ये जो सीसीटीवी कैमरे की बात की जाती है ना, मॉनिटरिंग कहीं नहीं होती है इनकी। उल्टा होता है, जहाँ पे भी अपराध होते हैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी जाती है, ख़त्म हो जाती है, करप्ट कर दी जाती है, या बोला जाता है कि यहाँ पे सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा था। तो भाई दो ही चीज़ हो सकती हैं इसके अंदर, या तो हम सब लोग जागरूक होके इसको इतना आंदोलन करें, इतना वो करें कि जिससे कि उसको न्याय मिल सके, दूसरा कानून इतना सख्त हो जाए, इतनी तेज़ी से काम करे और जल्दी से जल्दी उन लोगों को सज़ा मिले, तो तभी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। साथ साथ एज ए सोसाइटी हम लोगों को अपने बच्चों को, अपने खास तौर से जो अपने घरों में जो लड़के होते हैं, उन सबको ये सिखाना, उनको सब ये बताना, ये सारी घटनाओं के बारे में उनको बताना और उनको ये बताना कि ये कितनी दर्दनाक है, कितनी दरिंदगी है, कितना गलत है और ऐसा सब नहीं करना चाहिए, तो तभी हम ये सफल ये कह सकते हैं कि समाज अच्छा बना पाएंगे, लोग अच्छे बना पाएंगे, अपराध को कम कर पाएंगे। और भाई जिस तरह से हमारा इन्फ्लुएंसर जिस तरह से ये ड्रामेबाजी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, दोगलापन कर रहा है, इस तरीके से तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। मैं तो यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, अगर उन तक ये बात पहुँचे या आप लोग उनके कमेंट बॉक्स में जाके ये वाली बातें कहें कि उन सबको एक एक वीडियो, कम से कम डेडिकेटेड वीडियो इस बात के ऊपर बनानी चाहिए और अपने अपने व्यूवर्स को ये संदेश देना चाहिए कि ये कितनी दुखद है और इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में बात करें और लोगों से सुझाव लें, एटलीस्ट बात करना शुरू करें, डिस्कशन करना शुरू करें, लोगों में जागरूकता आए इस बात के लिए। कुछ और कमेंट्स भी थे इसके वीडियो के नीचे, लेकिन चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और अब उस पर बात नहीं करना चाहते, इसलिए उसको रहने देते हैं। लेकिन संदेश यही है कि कम से कम इन सेंसिटिव मैटर्स को ब्लॉगिंग में या फिर ये कहिए कि पैसे के लिए, रील बनाने के लिए ना यूज़ किया जाए, इनका संदेश भी इतनी सीरियसनेस के साथ ही जाना चाहिए जैसे कि सीरियसनेस के साथ में ये इशू हमारे सबके सामने आया है। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।